गुड इवनिंग। टुडे वी डिस्कस टॉपिक गैस। गैस टॉपिक से हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जिस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गैस प्रेजेंट इन पैकेट ऑफ चिप्स, चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। पर ये नाइट्रोजन गैस होती क्या है? नाइट्रोजन ये होती है आपकी एंटीऑक्सीडेंट। एंटी मींस अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस होता है आपका एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, बट एंटी लगा हुआ है तो अगेंस्ट, ऑक्सीजन की एंट्री ना हो। ये नाइट्रोजन जो गैस होती है ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? जो चिप्स के पैकेट वगैरह उसके अंदर मॉइस्चर या नमी वगैरह सील जाते हैं उससे बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन का, या इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, गैस प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस प्रेजेंट इन बैलून, हीलियम। जो लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, आर्गन। आर्गन तो सबको पता होता है, पर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है, जो हमें पता होता है वही ऑप्शन ना देकर और दिया होता है। आर्गन के अलावा नियोन भी गैस हो सकती है। अगर ऑप्शन में आर्गन नहीं है तो नियोन हो सकती है, नियोन भी नहीं है तो नाइट्रोजन ऑप्शन में है तो नाइट्रोजन भी हो सकती है। अगर ये तीनों दे रखी हों तो हम फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे, आर्गन। फिर इसकी बात करते हैं फिलामेंट की। फिलामेंट किस मेटल का बना होता है आपका? ये बना होता है टंगस्टन का। फिर सिंबल ऑफ टंगस्टन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, वो क्या होता है आपका? W। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लाफिंग गैस क्या होती है आपकी? नाइट्रस ऑक्साइड। आपने सुना होगा या देखा होगा, एक फिल्म के अंदर एक सिलेंडर रिलीज़ कर देते हैं गैस उसकी, तो वहाँ पर सब हंसने लगते हैं। बट नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो होती है ऐसी नहीं होती। लाफिंग गैस इसको क्यों नाम दिया गया है इसके बारे में आपको बताते हैं। जो नाइट्रोजन NO2 होती है, ये डेंटिस्ट डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं रूट कैनाल ऑपरेशन में। और क्यों यूज़ करते हैं? रिलीफ, जो दर्द होता है वो कम हो जाए। या एंथीसिया, बेहोशी वगैरह में यूज़ करते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस इंजेक्शन के साथ ऐड करके देते हैं, और डेंटिस्ट जो भी पेन किलर या इंजेक्शन देते हैं उसके साथ नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं जो दर्द है वो कम हो। हंसते हंसते इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? लाफिंग गैस। नेक्स्ट है आपका टीयर गैस, अश्रु गैस। ये होती है आपकी कार्बोनिल सल्फाइड। इस गैस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद मार्स गैस। मार्स गैस जो होती है, मर्सी समझते हो गए, कीचड़ में कौन सी गैस होती है आपकी? मीथेन। वहाँ से निकला है आपका मीथेन गैस। और मीथेन गैस के बाद में लास्ट जो मीथेन गैस की बात करते हैं और कहाँ कहाँ मिलती है हमें, गैस प्रोड्यूस इन कोल माइन, कोयले की खानों वगैरह में, खुदानों में जो गैस निकलती है वो क्या निकलती है? CH4। मेन कंस्टिट्यूट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? गोबर गैस। इसमें भी क्या होती है आपकी? CH4। और CNG में भी क्या होती है आपकी? CH4। ग्रीन हाउस गैस में भी क्या होती है आपकी? CH4। पर CH4 से ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है ग्रीन हाउस में? CO2 होती है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, बात करते हैं गैस दैट हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर या कीमियोथेरेपी, जिसको हम बोल सकते हैं अनदर वे में, तो इसमें कौन सी गैस का यूज़ करते हैं हम? रेडोन। उसके बाद एक क्वेश्चन और था जिसकी हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर आपका
कार्बोनिल सल्फाइड जिसको हम अश्रु गैस बोलते हैं, जो भी आंसुओं के लिए मेन जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, सल्फर। और ओनियन कटिंग वगैरह करते हैं, प्याज वगैरह जब हम काटते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, सल्फर की प्रेजेंट की वजह से आंसू आने लगते हैं। ये हमारा टॉपिक था आज का, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जनरल साइंस टॉपिक गैस। थैंक्स।